समझता हूँ केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन शख्स हैं जो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की कमियां कैमरे पर गिना रहे हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये खुद बीजेपी के विधायक हैं जो अपनी पार्टी की कमियां कैमरे पर सुना रहे हैं। विधायक जी ने इतना सच बोल दिया कि अपनी ही पार्टी और संगठन को असहज महसूस करा दिया। ये विधायक यूपी में पीडीए की तुलना में बीजेपी की स्थिति को कमजोर बता रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने वीडियो भी जारी किया, आप भी सुनिए ये वीडियो। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा। दरअसल जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी की वर्तमान स्थिति को खराब बताया है। बीजेपी के विधायक की माने तो मौजूदा सरकार की स्थिति बहुत खराब है। इस स्थिति को देखते हुए 2027 में भाजपा की सरकार नहीं बनती नजर आ रही है। विधायक रमेश मिश्रा ने कहा है कि साल 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को चुनाव में मन से लगना होगा ताकि फिर से भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बना सके। 14 जुलाई को राजधानी लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित होनी है। इससे पहले बीजेपी विधायक के इस बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। पता हो कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। सूबे की कुल 80 सीटों में से भाजपा नेत एनडीए गठबंधन को 36 और इंडिया ब्लॉक को 43 सीटें हासिल हुई थी, जबकि एक सीट अन्य के खाते में गई थी। आपको एक बार फिर से रमेश मिश्रा यानी बीजेपी विधायक का ये पूरा वीडियो सुनाते हैं। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके।